हमारे चैनल को यू कैसे टू ऐसे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। हैप्पी न्यू ईयर जूली। सॉरी यार, कल तुझे फोन नहीं कर सकी यार, टाइम ही नहीं मिला। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चल रहा था। आज भाई दूज था तो मेरे भैया आए थे, बहुत महंगी बनारसी साड़ी लेके आए। अरे ये तो बता, तेरे भैया क्या लेकर आए? क्या, 11,000 का कवर? वाह। अरे सुन ना, बाजू में मिली के भैया आए थे, वो तो सिर्फ 150 रुपए वाली साड़ी लेके आए। कितने कंजूस है ना। हाँ, उसने कहा है कि किसी को बताना मत, मैं सिर्फ तुझे बता रही हूँ। अरे तू तो मेरा नेचर जानती ही है ना, मुझे यहाँ की बात वहाँ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल अभी फोन रखती हूँ, नीला को भी फोन करना है, पूछूं तो सही उसके भैया क्या लेकर आए। हेलो। अरे नीला कैसी है? हाँ मीति, मैं अच्छी हूँ। कैसी रही दिवाली और कैसा रहा भाई दूज का दिन? दिवाली, भाई दूज सब बहुत अच्छा रहा, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। अरे तुझे पता है, बाजू में मिली के भैया आए थे, सिर्फ 150 वाली साड़ी लेके आए थे भाई दूज के गिफ्ट में। अरे नीली ये तो बता, तेरे भैया तेरे लिए क्या लेके आए? मीती, भाई दूज का त्योहार क्या लेन देन का त्योहार है, या फिर हम भाई दूज का त्योहार का असली मतलब भूल ही गए हैं? कितनी महंगी साड़ी, कितना महंगा कवर, बड़ी बड़ी गिफ्ट। मीती, हर एक भाई अपनी हैसियत के हिसाब से बहन के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाता ही है। सबसे बड़ी गिफ्ट है आपस का प्यार, बस वो कभी कम ना हो। उससे महंगी गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकती। बस मैं तो दिल से यही चाहती हूँ, दुनिया के सभी भाई बहन कभी एक दूसरे से नाराज ना हो। बस भाई दूज का सच्चा मतलब यही है। अगर किसी भाई बहन के बीच नाराजगी हो तो प्लीज ये वीडियो देखकर वो नाराजगी दूर कर देना।